Hello everyone, welcome to our channel Micro Educators. Take your preparation to the level of perfection. So guys, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर एवरीडे साइंस की, और ये वीडियो बेस्ड है हमारे पार्ट वन वीडियो के ऊपर, यानी कि हम जो आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उस वीडियो का डिस्कशन समझने के लिए आपको पार्ट वन देखना ज़रूरी है, क्योंकि पार्ट वन के अंदर हमने जो तीन टॉपिक्स लिए थे उन तीन टॉपिक्स की डिटेल स्टडी की थी, और आज उन्हीं तीन टॉपिक्स के ऊपर हमने एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो गाइज, अगर आपने अब तक हमारी फर्स्ट पार्ट वीडियो है वो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए एक बार वापस रिव्यू कर लेते हैं कि वो तीन टॉपिक्स कौन कौन से थे जिसके ऊपर हमने लास्ट जो फर्स्ट पार्ट वन था हमारा वो बेस्ड था। तो चलिए देखते हैं हमारे वो तीन टॉपिक्स कौन से थे। तो तीन टॉपिक्स थे हमारे केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये तीन टॉपिक्स को हमने पिछले जो पार्ट वन वीडियो में हमने कवर किया था, आज उन्हीं तीन टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर वन से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर वन है द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड। यानी कि ऐसी कोई रिएक्शन जिसके अंदर दो कंपाउंड अपने जो आयंस होते हैं उनको एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड बनाते हैं। तो याद कीजिए क्या था ऐसा कुछ। तो अगर हमारे पास ऑप्शन में है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक बार देखें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा सिर्फ एक एलिमेंट मूव करता था, लेकिन यहाँ पर तो दो एलिमेंट है। कॉम्बिनेशन में दो एलिमेंट को मिक्स करके एक और नया एलिमेंट बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो नया एलिमेंट भी जो बन रहे हैं वो भी दो बन रहे हैं। ठीक है, अब है ऑप्शन सी, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑफ कोर्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर हम दो कंपाउंड एक्सचेंज कर लेते थे अपने एटम्स या मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर ये अपने आयंस को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, दो नए कंपाउंड बन रहे हैं। यानी कि जो इसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। ठीक है, और हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है इन विच द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल बी इन्वॉल्व। इनमें से किन में किस ऑप्शन में हीट एनर्जी इन्वॉल्व होती है? तो ज़रा देखें, ए हमारे पास ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते थे, ना कि हीट का, यानी कि पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl। नहीं, बिल्कुल नहीं, कि अगर NH4Cl को पानी में घोलें तो डिसॉल्व होता ही नहीं है, है ना। चलिए सी है बर्निंग ऑफ LPG, यानी कि अगर LPG को जलाएं तो हीट प्रोड्यूस होती है। यानी कि यहाँ पर भी जो हमारा सी ऑप्शन है बर्निंग ऑफ LPG वो करेक्ट है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं द एश फॉर्म इज, यानी कि जो उसकी राख होती है वो कैसे कलर की होती है? ब्लैक, वाइट, येलो या पिंक। गाइज याद रखना, मैग्नीशियम रिबन को जब भी आप जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमेशा वाइट कलर का होता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेडॉक्स रिएक्शन इज वन इन विच, इनमें से रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा है? पहला, बोथ द सब्सटेंस आर रिड्यूस, अगर दोनों सब्सटेंस रिड्यूस करें, बोथ द सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज, अगर दोनों सब्सटेंस या जितने भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो जाएं, या फिर एन एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय बेस, अगर कोई एसिड है और उसको उसके अंदर बेस मिला दिया जाए और वो न्यूट्रलाइज हो जाए, तो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन होगा? चलिए नेक्स्ट है, वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज वाइल द अदर इज रिड्यूस। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर दोनों चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या? ऑक्सीडाइज्ड भी और रिड्यूस भी। ये अच्छे से हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने कि रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों होना चाहिए, ऑक्सीडाइज्ड और रिडक्शन दोनों। तो चलिए मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव में लिखा है कि रस्टिंग ऑफ एन आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर लोहे पे जंग लग रहा है तो क्या होगा? देखिए, लोहे पे जंग लगने के लिए दो सिचुएशन होनी चाहिए, पहला मॉइस्चराइजेशन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। यानी कि वहाँ पर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और मॉइस्चर है तो आयरन में जंग लगेगा, यानी कि इसका ऑप्शन सी जो है वो ऑक्सीडेशन, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इज इन, अगर हम कॉम्बिनेशन करें किसका, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन दोनों को मिलाएं तो क्या होगा? देखिए, ऑक्सीडेशन पहला ऑप्शन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है रेंसिडिटी और चौथा नन ऑफ दिस। यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, यही बिल्कुल राइट है, क्योंकि देखिए आप फॉस्फोरस में क्या मिला रहे हैं, ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन मिलाते हैं तो रिडक्शन नहीं ऑक्सीडेशन ही होता है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद,
हाँ गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। बोला कि जो हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो किस वजह से करते हैं, कैसे करते हैं? तो देखिए, हम पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए क्या लिखा है, Zn प्लस H2SO4, ठीक है, और लिखा है इसका जो प्रोडक्ट है ZnSO4 प्लस H2। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, यहाँ जिंक जो है Zn वो एक है, तो दूसरी तरफ भी Zn एक ही है। यहाँ H के साथ 2 है तो यहाँ पर भी H के साथ 2 है। यहाँ SO4 है तो उस तरफ भी SO4 है, यानी कि दोनों तरफ एटम्स की जो वैल्यू हैं वो बराबर हैं। और जब कोई चीज़ जिसको आप कितना भी चेंज कर लो और उसका जो मास है, उसका जो आपका एटम्स हैं, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि ना आप मास को बना सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि केमिकल इक्वेशन किसके अकॉर्डेंस होता है, तो केमिकल इक्वेशन हमेशा मास के अकॉर्डेंस होता है। यानी कि जो ऑप्शन सी है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि मास को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब ये वापस क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। उसमें लिखा था Zn प्लस H2SO4 और ZnSO4 प्लस H2। देखिए यहाँ ये रिएक्शन कौन सा है ये पूछा है, तो देखना हमने सबसे पहले क्या करा कि जो Zn ने है वो H2SO4 में से H2 को हटा दिया है और Zn ने उसकी जगह ले ली है। तो अगर ध्यान दे तो हमने हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें पढ़ा था कि जो ऐसी कोई कंडीशन किस में होती है, ऐसी सारी कंडीशंस होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट में, एक ही एलिमेंट मूव कर रहा है। SO4 ने अपनी जगह नहीं बदली है, जिंक और हाइड्रोजन ने बदली है, H2 ने बदली है। अब H2 की जगह क्या आ गया है, Zn। Zn ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, H2 से, और उसने उसको क्या करा, रिप्लेस कर दिया। तो ऐसी अगर कोई रिएक्शन है तो ऐसे रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सो गाइज, जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, उसमें है CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, और हम उसमें ऐड कर रहे हैं क्या, H2। अब बनेगा क्या, H2O प्लस Cu रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, ये तो हमने खुद वीडियो के अंदर इस एग्जांपल को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर कॉपर ने क्या करा, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ये रिडक्शन है, और H2O हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या करा, गेन किया, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो ऑप्शन ए है यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं नंबर 10 पे। यहाँ पर नंबर 10 पे अब क्वेश्चन है कि एक केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कब कह सकते हैं, यानी का केमिकल इक्वेशन इज सेट टू बी बैलेंस्ड इफ नंबर ऑफ क्या इक्वल होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि जो केमिकल इक्वेशन है वो दोनों तरफ उसके क्या इक्वल होना चाहिए, तो भाई पहला लिखा है कि कंपाउंड, दूसरा लिखा मॉलिक्यूल, तीसरा लिखा है नंबर ऑफ एटम इन सेम इन बोथ साइड, और चौथा लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन बोथ साइड। तो ध्यान रहे, नंबर ऑफ एटम दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी केमिकल इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस्ड, वरना इक्वेशन अनबैलेंस्ड होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर इज नोन एज, ये थोड़ा सा यहाँ पर टर्निंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने थोड़ा सा आपको घुमा दिया है। बोला कि एक सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो जाता है खुद ही और क्या करता है, दूसरों को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, यानी कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है कि हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, या फिर क्या दोनों हो, या फिर नन ऑफ दिस हो। देखिए एक सिचुएशन दोनों वाली लग रही है, क्योंकि ऑक्सीडाइज भी है रिडक्शन भी है, लेकिन ये जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है आपका, ये दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना प्लीज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट टर्न टू, ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सनलाइट में कैसा कलर हो जाता है, सनलाइट में अगर इसको धूप में रखें तो ये कैसा हो जाएगा। तो देखिए वाइट को अगर नॉर्मली अगर आप सनलाइट में रखेंगे वो भी सिल्वर को, तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा, ना कि येलो। देखिए गोल्ड तो है नहीं जो येलो हो जाए, वाइट रहेगा नहीं और रेड होगा नहीं, यानी कि जहाँ ऑप्शन है वो है ग्रे, क्योंकि जब किसी वाइट पर अगर अपन नॉर्मली भी हीट अपन इन्वॉल्व करते हैं तो हमेशा पहले ग्रे कलर में चेंज होता है, ना कि रेड या फिर येलो में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए क्या बोला कि H2 गैस में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन मिला के रिएक्ट कर रहे हैं। अगर H2 में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, यानी कि वाटर बनेगा, और ये एग्जांपल किसका है,
ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, रेडॉक्स का है, एक्सोथर्मिक का है, या ऑल ऑफ दिस सभी रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, और रेडॉक्स के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हमेशा हीट रिलीज होती है, ठीक है, और ऑल ऑफ दिस सब तो हो नहीं सकते। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन है ए है वही करेक्ट है, क्योंकि दो रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, यानी कि इनमें से किस में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो पहला है आइस मेल्ट इनटू वाटर, बर्फ का पानी बनना, अ वेट शर्ट गॉट ड्राइड इन सनलाइट, यानी कि एक गीले शर्ट का धूप में सूखना, अ ब्राउन लेयर इज फॉर्म और आयरन रॉड केप्ट इन एयर, यानी कि एक आयरन रॉड है जिसको हमने हवा में रखा हुआ और उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर चढ़ रही है, ठीक है। और फोर्थ है शुगर गेट डिजोल्व इन वाटर, अगर इन चारों ऑप्शन में से पहला, दूसरा, जो चौथा ऑप्शन है, इन तीन ऑप्शन में जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि सिर्फ ये फिजिकली चेंज हो रहे हैं, यानी कि बर्फ से पानी, पानी से सनलाइट यानी सूखना और शुगर का घुलना, ये किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। लेकिन ये ब्राउन लेयर वाला जो ऑप्शन है जिसके अंदर हमने आयरन को हमने हवा में रखा हुआ है और ये इसके ऊपर एक ब्राउन लेयर चढ़ रही है, ये हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि जो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल रिएक्शन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। देखिए नॉट बोला है, नहीं केमिकल रिएक्शन नहीं, कौन सा है इनमें से। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, दूसरा है मिल्क टर्न्स और इनटू हॉट वेदर, और तीसरा है बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, और फोर्थ है कॉन्टेमिनेशन ऑफ फूड। देखिए पहला है कि जो सॉल्ट है उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, वो उसमें आपकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होनी नहीं है। दूसरा है दूध का फटना, दूध का फटना यानी कि केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, यानी कि अगर मैच स्टिक को जला दिया जाए तो जो केमिकल चेंज है बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर मैच स्टिक में जो केमिकल होता है वो जल के ख़त्म हो जाता है और इसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। और फोर्थ है कॉन्टेमिनेशन ऑफ फूड, इसका मतलब होता है कि आपको पता होगा कि जैसे खाने में लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे सब्जी को पकाने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, तो कॉन्टेमिनेशन ऑफ फूड होता है कि सब्जी को पकाना है ना, इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं कि सब्जियों का प्रदूषण, समथिंग लाइक, ठीक है। इनमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी में कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, बाकी तीनों में केमिकल चेंज हो रहा है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इनमें से कौन सी कंडीशन ये बता रही है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। देखिए फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का रिलीज होना, गैस निकलना, हीट रिलीज, गर्मी निकलना, और चेंज इन कलर, ठीक है, कलर का बदलना, या फिर ये चारों ऑप्शन सही है। तो देखिए हमने बिल्कुल पढ़ा था कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर चार चीज़ें होती हैं, ठीक है, चार चीज़ें कौन कौन सी है, तो उसका स्टेट चेंज होना, गैस का निकलना, हीट रिलीज यानी टेम्परेचर में चेंज होना, या फिर कलर चेंज होना। लेकिन यहाँ पर क्या तीन ऑप्शन है, और तीन ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, यानी कि जो ऑप्शन फोर्थ है, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अ केमिकल इक्वेशन प्रॉपरली रिटन हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, पहला टेम्परेचर रिक्वायर्ड, सेकेंड शुड बी बैलेंस, क्या उसका बैलेंस होना जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, शुड हैव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फिजिकल स्टेट, केमिकल की फिजिकल स्टेट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए आपको ये चारों फीचर्स यानी कि तीनों फीचर्स होने चाहिए, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, उस इक्वेशन का बैलेंस्ड होना, और उसकी जो फिजिकल स्टेट का इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप केमिकल इक्वेशन को प्रॉपरली लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन फोर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड टू, ये क्वेश्चन तो पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा टर्न कर दिया इसको, कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो रही है वो कैसे पता लगता है। पहला डिस्प्ले कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट डिस्प्ले कन्वर्जन ऑफ मास, नेक्स्ट टू मेक अ इक्वेशन अट्रैक्टिव, ये फिर सब। देखिए जो भी इक्वेशन बैलेंस्ड होती है वो क्या होती है, उसके अंदर जो दिखाते हैं वो उसके मास का इक्वल होना बताते हैं, ठीक है, दोनों साइड जो मास है वो इक्वल होना चाहिए बस, ना कि अट्रैक्टिव बनाने के लिए ना करते, ना कि हम उसके एनर्जी को दिखाने के लिए, यानी कि ऑप्शन सेकेंड वो सही है, ठीक है। बोला कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज रिटन इन, देखिए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, किस फॉर्म में लिखी जाती है, तो वो फॉर्म है स्केलेटल फॉर्म, याद रखना स्केलेटल फॉर्म जो होती है वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म होती है।
लास्ट एंड लीस्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर, अगर मैग्नीशियम को हवा में जलाएं तो क्या होगा? मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद नाइट्रोजन, मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद कार्बन, मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कोई भी आग जो लगती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है, न कि नाइट्रोजन, कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस। गाइस, इसके पीछे मैंने हम एक आंसर की दे रखी है, आप इस पे जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसको आप अच्छे से देख लें और उसके पीछे आंसर की है उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियोस देखने के लिए। और हम आगे के जो टॉपिक्स हैं हमारे एवरीडे साइंस की, उनको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, साथ ही उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो गाइस, देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।